मोटर के नतीजे हैं। टीवीएस मोटर नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर ऊपरी स्तरों से ये फिसल रहा है और शार्प एक तरह से हम फॉल कह सकते हैं, क्योंकि 1373 रुपये आज का हाई है और अब 1300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऊपरी स्तरों से तेज गिरावट का शिकार हो रहा है। क्योंकि नतीजे हम देख रहे हैं कि मुनाफा बढ़ा है, आय की बात करें तो वहाँ पर भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, अगर हम साल दर साल आंकड़ों को कंपेयर करें तो। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट कहाँ पर है? क्या मार्जिन के फिगर कुछ गड़बड़ाए हैं? क्या कोई वन ऑफ है? क्योंकि मुनाफा 321 करोड़ से बढ़कर 468 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है और आय 6009 करोड़ से बढ़कर 7218 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा रिपोर्ट किया है टीवीएस मोटर ने। एक व्यू लेते हैं श्रीकांत जी, टीवीएस मोटर क्या सलाह देंगे इसमें आप? बिल्कुल। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक साइडवेज पैटर्न था जिसका डाउनवर्ड ब्रेकआउट हुआ है, और अगर इस डाउनवर्ड ब्रेकआउट के बेसिस पे अगर इसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि स्टॉक कम से कम 1250 से लेकर 1240 के लेवल्स में दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर कोई लॉन्ग पोजिशन है तो बिल्कुल इसे कम किया जा सकता है। अगर शॉर्ट पोजिशन से अगर बनानी है या तो यहाँ से अगर कुछ शॉर्ट के अगर ट्रेड्स लेने हैं तो 1340 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, बट 1250 के लेवल्स नजर आते हैं। ठीक है, टीवीएस मोटर पर ये व्यू श्रीकांत का।